नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा की मुस्कान ने जीता मिस इंडिया गॉर्जियस अवार्ड। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुस्कान को दी बधाई, कहा मिस यूनिवर्स जरूर बनेगी मुस्कान। अपने हुनर को तराशते हुए फर्श से अर्श पर पहुंची बेटी मुस्कान जरूर बनेगी मिस यूनिवर्स। उक्त पंक्ति के साथ मुस्कान को बुके देकर बधाई देते हुए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि बेटी मुस्कान को उसके सफलता पर बधाई देते हुए आज मैं कितना आह्लादित हूँ उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आज इसने साबित कर दिया कि सच में बेटियां किसी मायने में कम नहीं है। आज हम आप सभी देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में बेटियां ऊंचा मुकाम हासिल कर रही हैं। उनके द्वारा माता पिता और मुस्कान के भाई बहन के सहयोग की भी दिली सराहना की गई। कहा कि इस परिवार से उन्हें सीख लेने की जरूरत है जो आज भी बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि मुस्कान के हुनर के बारे में जितना मुझे बताया गया और उसने खुद जिस प्रतिस्पर्धा को बताया उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि बेटी मुस्कान का जो अंतिम मुकाम है वो उसे पाएगी और वो जरूर मिस यूनिवर्स बनेगी। बहुत बड़ी गौरव की बात है। गढ़वा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से, पिछड़े क्षेत्र से यहाँ की बच्चियाँ कलकत्ता में जा करके अगर सम्मानित होती हैं, पूरे झारखंड से चार बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, उसमें हमारे गांव की बेटी है, मेरी भी बेटी है, और जा करके वहाँ पर प्राइज प्राप्त की, सम्मानित की, मेरा पूरा विश्वास है देश स्तर पर इस गढ़वा को पहचान यहाँ की बेटी जरूर दिलाने का काम करेगी। पूरा गढ़वा सभी हम ही लोग इनके साथ हैं और आगे बढ़े, मुकाम को छुए, यही आज का। मुस्कान को बधाई देने के मौके पर भाजपा नेता प्रभात भुइयां, मीडिया प्रभारी रिंकू तिवारी, फजील अहमद, जयंत पांडे, सुप्रीम केसरी, मंगल मूर्ति तिवारी, अंकित तिवारी सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। धन्यवाद। हर पल की ताज़ा खबरों को देखने के लिए गीतांश टीवी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।